जीवों के कल्याण निमित्त, क्योंकि युग युग में शास्त्र ग्रंथ आदि जो है पहले श्रुति विद्या के रूप में थी, उस समय कोई पुस्तक या ग्रंथ के रूप में देखा नहीं जाता था। गुरु आश्रम में जाकर के गुरु से शिष्य वर्ग छात्र उनकी सेवा करते हुए उस विद्या को प्राप्त करते थे, परंतु सामने कलिकाल देख करके कि कलिकाल में लोगों की बुद्धि अल्प होती जा रही है, आयु भी बहुत कम है, स्मृति शक्ति विलुप्त होती जा रही है, ऐसे स्थिति में श्रुति विद्या का संपूर्ण रूप से अध्ययन कर लेना या स्मरण में रखना मनुष्यों की बुद्धि में नहीं, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम ग्रंथों के रूप में प्रणयन किया। वेद वेदांत उपनिषद पुराण इतिहास जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं, यह ग्रंथ केवल 5000 वर्ष पहले से व्यास ने लिखा है, उससे पहले नहीं था, ऐसा नहीं, युग युगांतर से चला आया। कालेन नष्टा प्रलय वाणी यम वेद संगीता मयानव ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्म जस्याम मदात्मक। विश्व संसार का जब प्रलय होता है, उस समय प्रलय काल में सभी लोग संहार हो जाते हैं, वेद ज्ञान उसको धारण करने वाले लोगों की कमी उस समय कोई रहता नहीं है, इसलिए वो लुप्त जैसे हो जाता है। भगवान विश्व संसार के सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम उपदेश प्रदान करते, तेने ब्रह्म हृदय ब्रह्मा जी के हृदय में विस्तारित किया, समस्त शास्त्र तत्व दर्शन सब कुछ उन्होंने प्रकाशित किया, इसलिए ब्रह्मा जी के मुखारविंद से चारों वेद उपनिषद पुराण इतिहास समस्त शास्त्र प्रकट हुए, ब्रह्मलोक में मूर्तिमान रूप में अवस्थित। श्री व्यास जी ने उसी को ग्रंथ के रूप में प्रणयन किया, इसलिए पहले उन्होंने वेद का विवाह किया कि प्राणायाम मनुष्याणाम कर्म शुद्धि, कर्म की शुद्धि के लिए यज्ञ के विधि विधान में होता उद्गाता अर्धर्यु और ब्रह्मा चारों विभाग से ये वेदों को चार विभाग किया, ऋग्वेद यजुर्वेद आयु ऋग्वेद यजुर्वेद ऋग साम यजु अथर्व चार वेद किया। इस प्रकार चार उपवेद आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्व वेद और स्थापत्य कला वेद, वेदों के छह अंग जिसमें शिक्षा कल्प व्याकरण छंद ज्योतिष और निरुक्त का वर्णन हुआ है, 1180 उपनिषदें बनाई। इस प्रकार वेदों को विस्तार किया, परंतु सभी लोग वेद को पाठ नहीं कर पाते हैं, न लोगों के पास में इतना समय। वेदों में सरक्रम का वर्णन है, उदात्त अनुदात्त सरित, इसलिए सभी लोग पढ़ नहीं पाएंगे। सभी लोगों के लिए उन्होंने वेदों के पूरक रूप में पुराण साहित्य को बनाया, जिसमें 18 पुराण कि उसमें कोई नियम नहीं है, सभी लोग पढ़ सकते, और वेदों में जो कथाएं हैं उन्हें को प्रांजल भाषा में पुराणों में लिखा है। इस प्रकार साधारण लोगों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की, इतिहास के रूप में वर्णना की, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भी आया था। इस प्रकार ग्राम कथानुवाद कृष्ण मंदिर गिरणिया ग्रामीण कथाओं के अनुवाद के द्वारा भगवान श्री कृष्ण में चित्त लग गया है, आराध्य रूप में उनको वर्ण करें, उनको
बोध करें। और जब संसार को देखें कि असार अनित्य है, तो ये संसार से निवृत्त हो करके निवृत्ति मार्ग में मोक्ष की ओर जाए। तो इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार प्रकार के पुरुषार्थ का वर्णन किया। उसके बीच बीच में भगवान की लीला कथाएं भी वर्णन की कि उन कथाओं का श्रवण करने से संसार का भोग वैभव मिलेगा, दुख कष्ट दूर होगा, सारी विपत्तियां दूर होगी। ये समस्त फल लगा करके, उसमें हेतु लगा करके ये समस्त वर्णन कर दिया। एक दिन व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हुए हैं और उन्होंने विचार किया कि हमने तो इतना सारा ग्रंथ और सब कुछ कर दिया, क्या इसके द्वारा जीवों का अभाव परिपूर्ण हो जाएगा, मिट जाएगा या नहीं? इस पर विचार विमर्श करने लगे। गंत गंत उनके मन में आया कि इसके द्वारा जीवों का अभाव तो मिटेगा। इतना सारा जो कुछ किया गया, अब इससे आगे क्या रहेगा, उस कमी के लिए सोचने लगे। ऐसे समय में श्री नारद जी महाराज बिना बजाते हरि गुण गाते हुए वहां उपस्थित हुए। उनको आकर के देखकर श्री व्यास जी ने उनका स्वागत अभिनंदन किया, आसन में बैठाए, आरती उतारे, पूजा अर्चना के साथ में आदर सत्कार किया। नारद जी महाराज श्री व्यास जी से कहा कि हे पराशर नंदन, आप शरीर से, मन से और आत्मा से समस्त प्रकार से कुशल तो हैं, आपके सारी जिज्ञासा पूरी हो गई, अब तो कोई जिज्ञासा नहीं रही। आपने बहुत से ग्रंथों को निर्माण किया, बनाया, प्रकाशित किया, अतः अब तो कोई अभाव तो नहीं रहा, कोई जिज्ञासा तो नहीं है। चित्त क्यों खिन्न है? किंतु आपका चित्त खिन्न क्यों? परंतु ये देखता है कि आपके मन में कुछ विषमता छाई हुई है, कुछ खिन्न सा दिखाई पड़ता है। क्या बात है, क्या कारण है जो कि आप इतने विषम रूप से कुछ सोच रहे हैं? उस समय से व्यास जी बोले कि हे महाराज, मैंने जीवों के कल्याण के लिए समस्त शास्त्रों को प्रकाशित किया, इतना सब करते हुए फिर भी मैं अपने कमी को समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या कारण है। आप पृथ्वी के बाहर भीतर सर्वत्र प्रकाश देने वाले, रवि बाहर को प्रकाशित करता है, बाहर को प्रकाश देता है, परंतु हृदय को प्रकाश नहीं करता। संत पुरुष जो है जीवों के हृदय के अंधकार को दूर करते और बाहर को प्रकाश देते। इस प्रकार आप सर्वत्र विचरण करते हैं, सबके हृदय के अंधकार को दूर करते हैं, तो हमारी कमी को भी आप दूर करेंगे। हमें यह पता नहीं चल रहा है, तन्मूलम बोधम अगाध बोधम, आप अगाध बोध संपन्न है। भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए आपको सब कुछ अनुभव है, सब पता। उस समय नारद महाराज हंसते हुए बोले कि हे पराशर नंदन, हे महाभार, हे पवित्र दृष्टि वाले, हे शुचि सभा, आप सत्य में प्रतिष्ठित व्रत को धारण करने वाले, परंतु जीवों के लिए आपने जो कुछ किया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की वर्णना की, इससे जीवों का अभाव नहीं मिट सकता। अभाव की पूर्ति तभी होगी जब जीव वास्तविक अपने स्वरूप में जा करके भगवान की सेवा करे, भगवत प्रीति को समझे, विशुद्ध प्रेम, अखंड प्रेम को समझ जाए और उसी की प्राप्ति कर ले, उसके द्वारा अभाव की पूर्ति हो। उसको भूल करके जीव संसार में आए हुए हैं, माया में भटक रहे हैं, भगवान को भूल कर और भटके हुए जीवों को कुछ खाने पीने को मिल जाए, कुछ धन दौलत मिल जाए, भोगों को प्राप्ति कर ले और फिर इस जाल यंत्रणा से हट करके फिर मुक्ति की ओर बढ़े,
क्या उससे दुख की निवृत्ति हो जाएगी? कदापि संभव नहीं। इसलिए जीव शुद्ध स्वरूप में जाकर प्रभु की आराधना करें, भगवान की सेवा में लग जाए, यही जीवों का स्वरूप धर्म है। भगवान सर्वशक्तिमान, जीव जितने हैं सब उनकी शक्ति है। शक्ति का परिचय शक्तिमान के आश्रय में, उनका आश्रय जब छूट जाता है तब सारे मामला बिगड़ जाते हैं। इसलिए भगवान के आश्रय में जाकर के प्रभु के नामों का कीर्तन करें, भगवान की लीला महिमा का वर्णन करें, उनकी लीला कथाओं का श्रवण करें, तो उससे कल्याण होगा। तद्वार यदि सर्व जनता भगवान का नाम जैसे तैसे कैसे भी कीर्तन हो जाए, जनता के समस्त लोगों का पाप विप्लव होता है, अर्थात निवृत्त होता है। और भगवान के नाम, भगवान की कथाएं ये सब छोड़ करके बड़े संगीत चर्चा हो रही है, मधुर ग्रंथ सुर ताल गाय मांग इत्यादि बड़े ठरवार से रंग ढंग से हो रहा है, परंतु उसमें कोई भी कल्याण नहीं है। 22 तीर्थम न निरमंते उसी छया, मानो सरोवर में विचरण करने वाले ऐसे जो राजहंस हैं, वे कभी कौवे के तीर्थ में नहीं आते। तो इस दुनियादारी में जो कुछ रखा है ये सब कौवे का तीर्थ है। कौवे कहां पर पहुंचते हैं कि कौवे जहां पर सड़ा गला हुआ चीज होता है वहां पर कौओं का मेला लगता है। और राजहंस जो है जो खीर और नील को, दूध और पानी को एक साथ में दे दिया जाए तो दूध को पी जाते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। ऐसे जो भक्त यहां इस संसार में रहते हुए संसार के असार वस्तुओं को छोड़ दिया पर सार वस्तु भगवान को अपनाए हैं, ऐसे भक्त लोग कभी संसार के तुच्छ वस्तुओं में आसक्त नहीं होते। इसलिए ये महाराज इस संसार के जितने भी वस्तुएं हैं ये सब कर्मों के द्वारा, माया के द्वारा रचे हुए। इस कर्म रूपी वैतरणी में चलते हुए जी कितने प्रकार के दुख कष्ट को भोग रहे हैं जिसकी कोई ठिकाना नहीं। इस समुद्र में तूफान उठे और उसमें ये नाव पड़ जाए तो क्या स्थिति बनती? नौ निवास पदम, एक नाव की जैसी स्थिति बन जाती है, डामाडोल होती है और अंत में समुद्र में डूब जाती है। ऐसे ये संसार समुद्र है, इसमें भोगों में आसक्त होकर इस संसार में यह संसार धर्म पालन करते हुए, अर्थ का संग्रह करते हुए, भोगों को भोगते हुए कदापि शांति नहीं। इसलिए प्रभु के भजन में ही शांति है। कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हो करे, चाहे नहीं करता है छोड़ दिया है कोई बात, यदि भगवान का भजन करता है, प्रभु का भजन करते करते यह शरीर छूट जाता है, कदाचित किसी प्रकार से पतित भी हो जाए तो उसमें कौन सा अमंगल होता है, कौन सी बुराई है? 5 दिन भी जीवित रह करके प्रभु का भजन कर ले, यहां तक कि आपन्न संस्कृति घोरा जन नाम विवशो गृह, घोर संसार में पड़े हुए विवशता की स्थिति में और कोई उपाय नहीं, मृत्यु चारों ओर से घेर लिया, ऐसी स्थिति में क्या उस समय ध्यान करेंगे या ब्रह्म ब्रह्म सोचेंगे या कहेंगे? उस समय ब्रह्म नहीं कहेंगे, उस समय ध्यान करने को ध्यान नहीं लगेगा, उस समय छटपटा रहे, मृत्यु चारों ओर से घेर लिया, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उस समय अपने प्रियजन को पुकारते तो संसार में तो कोई प्रिय नहीं है जो कि उनको सहायता दे और रक्षा करे। ऐसी विवशता की स्थिति में घोर विपत्ति में पड़ करके जन नामों विवशो गृहणम, प्रभु के नामों का कीर्तन करते विवश होकर के, कैसे भी मुंह से राम नाम कृष्ण नाम निकल गया तो तद सत्व विमुच्य तत्क्षणात् संसार से मुक्त हो जाते। जब विभेदी
जमदूत तो आते ही नहीं, जमराज भी नहीं आते, और जम के जम काल भी उनके पास में नहीं आते। इसलिए कहते हैं कि कैसे भी भगवान का नाम कीर्तन हो जाए। सर्व अस्त्र धर्म चतुराय ते महतो भया, थोड़ा सा भी भगवत धर्म का अनुशीलन करें तो वहां भय से निष्कृति पा जाते। इसलिए कहा कि भगवान का नाम कीर्तन करें, इसी में कल्याण। भगवान के लीला कथाओं का आप वर्णन करें, यही समस्त यज्ञ का, पूजा पाठ आराधना, संसार का जो कुछ है सब का सार है कि भगवान की लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन करना। इसलिए आप भक्ति योग समाधि में बैठ करके भगवान की लीलाओं का दर्शन करें और उस प्रकार लीला कथाओं का वर्णन करें, इसी में कल्याण। श्री नारद जी महाराज कहते कि देखिए, मैं कभी दासी पुत्र था, मेरी माता का एक लौका लड़का और दूसरा तो कोई नहीं। एक दिन एक मंदिर में चौमासे का समय, बरसात के समय में चौमासे में साधु लोग चातुर्मास व्रत करने के लिए आए, तो मंदिर में ऐसी कथाएं हो रही थी, ऋषि लोग बैठ करके कथा करते थे। तो वहां पर मेरी माँ सेवा किया करते थे, काम धाम करते थे। एक दिन ऋषियों के कुछ प्रसाद हमें खिला, उससे मेरे मन की चंचलता दूर हो गई। मैं बैठ करके कथाओं को सुनने लगा, सुनते सुनते धीरे धीरे समझ में आने लगा, तो मेरे हृदय में एक चमत्कार पूर्ण भाव उदय होने लगा। इसी तरह से 4 महीना बीते कि ऋषि लोग जाते समय हमें एक मंत्र उपदेश दिया, कहा कि हे बालक तुम इस मंत्र को जप करना। तो उसके विधि विधान और मंत्र को बता दिए। उसी तरह से मैं मंत्र को जपता रहा और जपते जपते एक दिन मेरी मां परलोक चली गई, तो उस समय मैं अकेला हो गया। घर से निकलकर घनाघोर जंगल में चला गया, वहां जाकर के प्रभु का भजन करने लगा। करते करते मेरे दिल में आया कि प्रभु मुझे दर्शन दे, इसलिए मैं उत्कंठित होकर के रोने लगा। तो मेरे उत्तरखंड में प्रभु ने कृपा करके दर्शन दिया, मेरे सामने आ गए दिव्य शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनको हाथ जोड़कर स्तव स्तुति प्रार्थना की। प्रभु प्रसन्न होकर के मुझसे कहा, हे नारद, तुम्हारी उत्कंठा के वजह से मैंने तुम्हें दर्शन दिया, अब इस जन्म में मुझको दर्शन नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे साधु संतों की सेवा करते हुए समस्त अनर्थ दूर हो जाएगा और तुम्हारा चित्त मेरे बीच में स्थिर हो जाएगा। अंत में मेरा नाम कीर्तन करते करते जब मेरे बीच में तन्मय हो जाओगे, अंत में तुम इस शरीर को छोड़कर मेरे धाम में आ जाओगे और मेरा नित्य परिकर बन जाओगे। इसलिए तुम उस समय की प्रतीक्षा करते हुए मेरे नामों का कीर्तन कर। भगवान ने आदेश और फिर देखते देखते अंतर्धान हो गए, फिर उनको प्रणाम किया और तब से मैंने प्रभु के नामों का कीर्तन करने लगा। कीर्तन करते करते विमदो विमत्स मौत माश्चर्य अहंकार अभिमान सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु प्राप्ति के लिए कब प्रभु मुझे अपनाएंगे उस समय की प्रतीक्षा करता हुआ मैं बैठा रहा, नाम कीर्तन करने लगा। एक दिन समय उपस्थित हुआ कि यह शरीर ही पड़ा रहा पर शुद्ध तेजोमय स्वरूप में मैं भगवान के लोक में चला गया। तब से मैं प्रभु के लोक में रहा वैकुंठ में और प्रभु के नाम का कीर्तन करते हुए इस प्रकार मैं उनकी सेवा में नियुक्त रहा। प्रभु प्रेम का आस्वादन। जिस समय फिर से ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि की, उस समय उनके मानस पुत्र होकर के आया। संसार के बाहर भीतर मैं सर्वत्र भ्रमण करता हूं, मेरे लिए ना तो कोई बंधन रहा ना कुछ। मैं जहां कहीं बिना बजा करके प्रभु का नाम कीर्तन करता हूं तो बिना निमंत्रण के प्रभु हमारे सामने प्रकट हो जाते और मैं उन्हीं को दर्शन करता हूं, मैं उनके पास में सदा सर्वदा। इस प्रकार हे पराशर नंद,
नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये समाधि लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, परंतु इसके द्वारा कदापि आत्मकल्याण नहीं हो सकता है। काम लोभ हतम मोहम, काम क्रोध लोभ मोह के द्वारा बारंबार धक्का प्राप्त होते, गिर जाते। मुकुंद से वो या जलवर तथा धात्मा न सम्मति, भगवान मुकुंद की सेवा के द्वारा जैसे आत्मा की शांति मिलती है और किसी भी प्रकार से नहीं। इसलिए इस संसार में आए हुए व्यक्ति अनेकों प्रकार के दुख कष्ट में पड़े हुए जर्जरित थे, अतः उन सभी के लिए हरि चर्यान वर्णनम, भगवान से हरि के गुणों का वर्णन, उनके नामों का कीर्तन, लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन, इसके द्वारा जीवों का कल्याण होगा। इसलिए आप भक्ति योग समाधि में बैठ करके श्रीमद् भागवत की भागवत को प्रकाशित करें। नारद जी के उपदेश से श्री व्यास जी ने भक्ति योग समाधि लगाए और उसमें बैठ करके भगवान की सारी लीलाओं का दर्शन किया। भगवान के सभी अवतारों को, उनके परिकरों को सब दर्शन किया और उनकी अपास्थित माया बहिर्मुख माया के द्वारा जीव संसार में मोहित है। जया सनोहित जीव, जिस माया के द्वारा जीव मोहित होकर अपने को त्रिगुणात्मक समझ रहे हैं, संसारी जीव समझ रहे हैं, कभी सुखी और कभी दुखी, इस प्रकार माया में फंसे हुए अज्ञान मोह में, इस अज्ञान से निकालने के लिए एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य। उन्होंने इस पुराण सूर्य श्रीमद् भागवत को प्रकाशित किया, जिसके श्रवण करने से भक्ति रूप तपे मोक्षरा शोक मोह भया पहा, शोक मोह भय दूरीभूत हो जाता है। भगवान के चरणों में अहित की प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हो, दूसरे श्लोक में भी वर्णन किया, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते केव अवरे ईश्वर शब्द हृदि अवरुद्धति कृते भी सुस्त सूरी स्तर छला। महामुनि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत शास्त्र के रहते, जो समस्त शास्त्रों का सार अर्थ आयम ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र का अर्थ है, महाभारत का तात्पर्य नहीं है, गायत्री के भाष्य है, समस्त वेदों के अर्थ का विस्तृत रूप में श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है। इसलिए यह 18,000 श्लोक संबंधी श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है इसको महापुराण कहा गया है, इसको श्रीमद् भागवत कहा गया है। श्री से संपत्ति, प्रेम भक्ति आदि संपत्ति से युक्त है। जिस भागवत का श्रवण कीर्तन करने से पराभक्ति लाभ होती, इसलिए कहा कि वही दूसरे दूसरों से क्या प्रयोजन। अतएव शब्द हृदय अवरुद्धते श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण किया जाए और भगवान के चरणों में अहित की भक्ति हो जाए, इससे बढ़कर के जीवन में और क्या लाभ हो सकता है। प्रभु उनके हृदय में बन जाते हैं। जो लोग सद्गुरु का आश्रय करके इस प्रकार साधु भजन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का पान करते हैं, आस्वादन करते हैं, भगवान उनके हृदय में तत्क्षणा वशीभूत हो जाते हैं। प्राण रसने अभिमानी भक्तों के भक्ति रूपी रस्सी के द्वारा भगवान बन जाते हैं। इसलिए इससे बढ़कर के और क्या सौभाग्य का विषय हो सकता है। सब सुधी जनों के लिए उन्होंने कहा पिबत रसमावय, हे रसिक जन, हे भावुक जन, निरंतर श्रीमद् भागवत रस का पान करें, जो श्रीमद् कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने प्रकट किया। इन्हीं कथाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर रखता हूँ। पंचालवस्य कृपा सिंधुमेव च परितारं पवने वैष्णवे नमो नमः।
हमारा सनातन धर्म है। जिस धर्म में भक्ति नहीं है वो परम धर्म नहीं है, सनातन धर्म नहीं है। इसमें एक और आप लोगों ने देखा, व्यास जी भगवान के अवतार होते हुए समस्त शास्त्रों का प्रणय किया, सब कुछ बतलाया, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष सारी चीजों को बताया, किंतु उनका चित्त प्रसन्न नहीं था। किंतु भक्ति योग के द्वारा अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायां च गदा अपास्यां, परम तत्व को इस जगत की सृष्टि करने वाली ईश्वरों से भी जो ईश्वर है, जो सबके आदि है, सब कारणों के भी कारण है, उनका भी आदि जो है, उनका ये प्रणय उसे ही जगत, जो सृष्टि करने वाले जो ईश्वर लोग हैं उनकी भी परमेश्वर लोग हैं। वो कैसे हैं? अपश्यत, उनको देखा, यदि रूप नहीं होता तो कैसे देखा, रूप नहीं होता तो कैसे देखा, यदि निराकार होते। इसलिए भगवान का एक आकार है कि तुझे मैं आकार है, इसको समझिए। इसलिए हमारे सनातन वैदिक धर्म की यह वृत्ति है, भगवान का रूप है, इन जीवों का भी रूप है जो इस शरीर के अंदर है, और उस चिन्मय रूप से उस चिन्मय परतत्व की जो उपासना करते हैं प्रेम पूर्वक, यही प्रेम हमारे सनातन धर्म का सर्वोच्च स्थिति है। इसको समझिए, रूप नहीं होता तो कैसे देखते, अपश्यत पुरुषम पूर्णम, वेदों में भी ऐसा लिखा गया, ओम तत् विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः देवी चक्षुरागतम, अपने आंखों से परतत्व का दर्शन करते हैं। इसलिए भगवान का रूप है, जो लोग भगवान का रूप नहीं मानते वो सनातन धर्मी नहीं है, ऐसा है। हमारे धर्मों की तो बात कही है, सनातन धर्म की तो बात ही कही है, और धर्मों में भी ऐसा है। तो उसी की रामायण का प्रत्येक जितने भी चौपाई सोरठे दम छंद और दोहे हैं सब में श्री आराम, उनको परतत्व मानते हैं। ज्ञान अखंड एक सीतावर, उनको अखंड परतत्व माना है, कोई नहीं सर्वत्र तत्पर है, और उनके प्रति जो निरंतर तैल धारावत अविच्छिन्न गति से चित्त की जो वृत्तियां हैं लगने वाली है, उसी को भक्ति कहा, वही जीव मात्र का अविनाशी भक्ति है, अनुपायनी भक्ति है। अनुपायनी माने क्या, अनुपायनी माने अविरल माने, वही सब एक ही होता है। इसलिए भगवान के प्रति निरंतर के वही तल धारावत अविच्छिन्न गति से हमारी चित्त की वृत्तियां सेवा के रूप में लग जाए, इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम प्रेम है। इसी को श्रीमद् भागवत में बहुत बहुत गोपक खानों के द्वारा रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने बहुत से उपाख्यानों के द्वारा इस सबका वर्णन किया है। हम लोग धीरे धीरे इस चीज को वर्णन करेंगे। हम ये बतला रहे हैं जो रूप नहीं मानते हैं भगवान का वो भी धर्मी है। जैसे देखिए हमारे हिंदू धर्मों के ग्रंथों में तो बात ही छोड़िए, बाइबल में कहा गया है क्या, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, अपने रूप के समान में गॉड ने मनुष्यों को बनाया। यदि उनका ही रूप नहीं है तो कहां से बनाया, यदि जीव आकार ही नहीं होता तो कहां से बनाया। इसलिए उनका आकार है, वो आकार कैसे है आपको थोड़ा सा समझा दूं। हमारे जीसस क्राइस्ट ये अपने बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था के पड़ के बाद में 16-17 वर्ष की उम्र में भारत वर्ष में गए, और वहां पर वो मथुरा वृंदावन में पहुंचे, वहां पर दुर्गा करके वाराणसी में गए, फिर वहां से जगन्नाथपुरी इत्यादि में गए, और उसका ऐसा प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, कुछ भक्ति का भाव है भगवान को मानने में। अपने उन्होंने जीसस क्राइस्ट का माने क्या, मैं गॉड का पुत्र हूं। कैसे, देखिए वहां पर वृंदावन में और
जगन्नाथपुरी इत्यादि में उनको कृष्ण कहते हैं भगवान, वहां पर कृष्ण है जगन्नाथ के रूप में, वृंदावन में तो आप गोविंद गोविंद मदन मोहन इत्यादि में ये कृष्ण है। कृष्ण को लैटिन भाषा में क्राइस्ट कहते हैं, क्राइस्ट क्रिस्टस, वो कृष्ण शब्द का अपभ्रंश शब्द है, इस क्राइस्ट से क्रिस्टस से क्राइस्ट, क्राइस्ट ये कृष्ण शब्द का अपभ्रंश है, ये कृष्ण ही उनके पिता है और उन्होंने अपने रूप के अनुसार मनुष्यों को बनाया है। इसलिए उन्हें कुछ कुछ भक्ति की पूर्ण देखी जाती है और तो नहीं देखी जाती, किंतु वो उनके नोटों में और डॉलरों में ये शायद रहता है, इन गॉड वी ट्रस्ट, गॉड मैंने क्या जी ओ डी जी मैंने जनरेटर सृष्टि करने वाला, ओ करेगा संचालक विश्व ब्रह्मांड का संचालन करता है, डी मैंने डिस्ट्रक्टर, ये है गॉड। इसलिए ये यदि रूपही नहीं है तो ये इतना कैसे कहां से आया? अरे भाई हमारे कुरान शरीफ ने भी ऐसा लिखा, जबकि वो निराकार नहीं मानते, निराकार मानते हैं, किंतु वो उसमें नहीं समझने के कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको समझते हैं भगवान का रूप मानते हैं, खुदा का रूप मानते हैं, किंतु सब लोग नहीं समझ पाते हैं। वहां पर भी लिखा गया सूरत ही अपने सूर में, मैंने अपने सूरत के अनुसार में रूप के अनुसार में खुदा अल्लाह ने मनुष्यों को बनाया। तो ये कहां से आया? खुदा का शरीर नहीं है तो कहां से आया? तो मस्जिद किसलिए बनती है? यदि निराकारी वो खुदा है तो मंदिर की मस्जिद की जरूरत क्या है? खुले आकाश में उपासना करो निराकार की, और निराकार की उपासना होगी कैसे? निराकार शब्द भी कोई शब्द नहीं है, इसमें आकार है इसलिए निराकार शब्द बना, और भी कोई शब्द नहीं है, रूप मौलिक शब्द है, उसमें कुछ लगा करके और अरूप बना, गुण असली शब्द है उसमें और रूप बना, यदि रूप गुण नहीं होता तो ये शब्द भी नहीं बनते। इसलिए भगवान को निराकार क्यों कहा गया कहीं कहीं? अरे इसलिए कहा गया कि आंखों से नहीं देखता है किंतु प्रेम में भक्ति के नेत्रों से दिखता है। आग नहीं दिखती क्योंकि यहाँ पर आग सर्वत्र है, बिना आग के ये लाइट नहीं चल सकते, किसी न किसी रूप में पत्थर को ऐसे रखेंगे ऐसे से आग निकल जाएगी, देश लाई हो ऐसे थोड़ा सा जला दीजिए आग रखेंगे, हमारे शरीर में जठर अग्नि है जिसे अन्न इत्यादि का हजन होता है, श्री शरीर के अवसर में ठंडा हो जाए समझिए कि आत्मा निकल गई। इसलिए आग तो सर्वत्र है, उसी तरह से भगवान सर्वत्र है, प्रेम से प्रकट कोई बन जाना प्रेम से प्रकट होते हैं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया भक्ति रवैनम नयति भक्ति रवैनम दर्शयति भक्ति रेव भूयसी भक्ति रेव भूयसी, भक्ति भगवान के पास, भक्ति माने क्या इस चीज को समझिए, दो चीजों को जोड़ने के लिए कुछ तरल पदार्थ चाहिए, जैसे मट्टी को तरल करके दो ईंटों को जोड़ दीजिए किंतु कमजोर रहेगी, सीमेंट से जोड़िए तो सीमेंट में बालू मिलाकर उसमें पानी देकर के तरल करके और उसके जोड़ा जोड़ दीजिए तो बहुत दिनों तक रहेगा, दोनों वस्तुओं को ये जोड़ने वाली चीज है। उसी तरह से भगवान जो नित्य वस्तु है सनातन वस्तु और जो जीव सनातन वस्तु है दोनों को जोड़ने वाली एक चीज है, वो है भक्ति, वो है प्रेम। प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, हमारे अंदर में अभी भगवान को भूल जाने पर भी ये प्रेम हमारे अंदर में है, किंतु यह प्रेम कुछ विकृत होकर के सांसारिक वस्तुओं पर अनित वस्तुओं पर लगा है, शरीर स्त्री के प्रति, स्त्री आपकी क्या सचमुच में स्त्री है? आखिर वो भी जीव है, ऊपर से वो स्त्री का चेहरा दे दिया कर्म ने और वो समझता है कि ये मेरी बीवी है, मरने के बाद भी तुम्हारी बीवी रह जाएगी कि वही पति रह जाएगा? ये सब बदल जाएगा, कृष्ण ही एकमात्र, भगवान राम ही हमारे एकमात्र पास, ये कभी नहीं बदलेंगे, जीवात्मा भी नहीं बदलेंगे, यह प्रेम के द्वारा बने हुए हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों को जो जोड़ने वाले
सनातन धर्म का मूल चीज है। यही प्रेम अभी संसारिक वस्तुओं में दिखता है। अभी मैं इंग्लैंड अमेरिका में गया, देखा बहुत से लोग कुत्ते पालते हैं, कहते हैं कि स्त्री पर विश्वास नहीं, कब छोड़ देगी, और स्त्रियों को विश्वास पतियों पर नहीं कि कब छोड़ देगा, इसलिए कुत्ते को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कुत्ते पालते हैं। कुत्तों को लेकर के टाला नहीं जाते हैं, स्नान कराते हैं, कारों में ले जाते हैं, मरने के बाद में समस्त प्रॉपर्टी उनके नाम से रजिस्टर कर देते हैं, इनके लिए कुत्तों के लिए अस्पताल खुले जा सकते हैं। इस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि दिन में 5 बार उनका डाइवोर्स होता है, पति भी डाइवोर्स कर देते हैं। हमारे भारत वर्ष में तो अभी तक संस्कृति ये चली आ रही है, किंतु धीरे धीरे वहां पर भी ऐसी चीजें गंदी चीजें आ रही है। आप लोग माताएं बहनों, आप लोग डाइवोर्स करना और सीखे, थोड़ा सा कहीं कुछ गड़बड़ भी हो जाने से उसमें आप लोग सामंजस्य कर लेंगे और पति लोग भी सामंजस्य कर लेंगे, तब ये सनातन धर्म की मूल नीति को समझे। हमारे यहाँ विधवाओं का विवाह नहीं होता था, किस लिए? विधवाओं के पति मर जाने के बाद में इसलिए नहीं होता कि भगवान कृष्ण को ही अपना सब सब कुछ माने, राम को अपना सर्वस्व मान कर किसे, यही जीव का धर्म है, पति तो मरेगा ही, इसलिए ये सब सनातन धर्म है, इन चीजों को समझिए। इसलिए भगवान का रूप जरूर है, पहला चीज। जो लोग भगवान के इस रूप को नहीं मानते, निराकार को नहीं मानते, वे हमारे सनातन धर्म में नहीं, कभी नहीं हो सकते। इसलिए जीवों का भी रूप है, भगवान का भी रूप है, वो प्रेम रूपी अंजन से साधन भजन से वो मिलता है। एक चीज और समझिए, महाराज चंद्र थे, बड़े भाई सत्यवादी थे, आप लोग सुने होंगे, जो कुछ कर देते उसको पूरा करते थे। विश्वामित्र ने जी ने कहा कि देखो ये सूर्य वंश में आएगा, अभी रामचंद्र जी आएंगे उस वंश में जन्मा है, ये संसारी धर्म नहीं लगा रहा है, इसी को सनातन धर्म समझता है। मेरा नाम हरिश्चंद्र, ये सत्य है, मेरी पत्नी सत्या जी मेरी पत्नी है, इसको सत्य समझता है, उसका बेटा रोहित दासों उसको सत्य समझता है, और वो समझता है ये सारा राज्य मिला है, उसको पता नहीं है ये सनातन धर्म है। अच्छा ठीक, रात में उनको सपने देख लिया और सपने में उनका सारा राज्य मिल गया। दूसरे दिन सवेरे वहां पर पहुंचे, याद है कुछ? क्या महाराज याद? रात में कुछ ने दिया था हमको, आता हमने जो दिया था तो उसको झूठा समझता है। राज्य मेरा संकल्प करो, ठीक है, उन्होंने संकल्प किया, ये राज्य मैं आपको देता हूं विश्वामित्र जी को, उन्होंने दे दिया, संकल्प किया। का जो संकल्प कराने का जो ब्राह्मणों का जो फीस होता है जिसको दक्षिणा कहते हैं, ये तो हमें दो, क्या चाहिए? 10,000 सोने की मुद्राएं चाहिए, और खजांची जल्दी लाओ 10,000 मुद्राएं को दे। अरे झूठे लबार, जब राज्य मेरा हो गया कुछ तो ये कोष तेरा कहां से रहा? ओ आप तो ठीक कह रहे, मेरी गलती थी, अब 10,000 कहां से दें, चिंता करने लगे। उन्होंने कहा जैसे अब अपने को बेच दू, अपनी पत्नी को भी बेच दू, किंतु अपने बात पर अटक दूंगा। उन्होंने कहा बेचना चाहूंगा जी हमारे राज्य में मत बेचना, सारा भूमंडल उनका राज्य कहां बेचे, बड़ी मुश्किल में पड़े। उन्होंने बताया देखो शंकर की नगरी है काशी, उनके त्रिशूल पकड़ी है, पृथ्वी में नहीं है, वहां पर बेचे। वहां गए अपने को डोम के यहाँ 5,000 स्वर्ण मुद्राओं में अपने बेटे को और अपनी स्त्री को उन्होंने दोनों मिलाकर के 2,500 वो भी 5,000 या 10,000 रुपये में बेच करके इन तीनों को भी और इनको दे दिया, उन्होंने ले लिया। अब गंगा के घाट पर डोम बंद करके उनके दूध बंद करके मुर्द खाने को देखने लगे, तो काम क्या करते हैं श्मशान घाट ड्यूटी देने लगे, और उनकी पत्नी उस ब्राह्मण के यहाँ और उनका बेटा नौकर हो उसको भी बेच दिया। बेचने का भी प्रयास होता है, बेटा जाते जैसे गाय को बेच दिया, अब वो खाना दे रहा है कि नहीं दे रहा है आप देखेंगे, या दूध ले रहा है, गाय
देने पर भी उनका यह भाव नहीं है। एक दिन उन्होंने काट दिया सांप बनकर के, तो मर गया। उसको सत्या रानी लेकर के गई वहां पर संस्कार करने के लिए गंगा के घाट पर। और रात वर्षा हो रही है, विलाप कर रही है, तो सुनता है महाराज वहां पर। कब महाराज तो रहे हुए गौ के दूत बने हुए हरिश्चंद्र जी आए, बोले जैसे कौन है, क्या चाहती है? तो मेरा बेटा मर गया, देखा आकाश में बिजली थी और उन्होंने देखा कि हमारा बेटा रोता सुन गया। अब तो रोने आंखों में आंसू भर आए, कहिए अब तो अपने बात पर तो अटिक रखना है, सत्य मैं बोलने वाला। उन्होंने कहा जैसा भी हो तुम इसका जो फीस यहाँ का है दे करके तब इसका संस्कार। देखा जो उनके पास तो कुछ नहीं, अपना अंचल पार करके देने लगे। इतने में विश्वामित्र भी आ गए, धर्म भी आ गए, सब कुछ आ गए। लेकिन देखो अभी तक तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ सत्य किसको कहते हैं। तुमने शरीर को कोई परिश्रम दबा, इसलिए तुम्हारा राज्य निकवा दिया। जो राजा नहीं रहा तभी तुम हमको ज्ञान है, और तुम्हारी स्त्री को बेचवा दिया तभी तुम सुनता है हमारी पत्नी और हमारे बेटे हैं। इस चीज को समझो, भगवान को रियलाइज करो, अपनी आत्मा को रियलाइज करो। ये जगत में कौन किसका पुत्र है, कौन किसका स्त्री और कौन किसका पति है, इस चीज को समझो। 10 दिन के लिए नाटक करने के लिए हम लोग अपने कर्मों के फल से यहाँ पर आए हैं। हमारे सनातन पिता, हमारे बंधु, हितकारी, प्रभु, सब कुछ वही है। इस चीज को भूलने से हमारी यह दुर्दशा, आप इसको समझिए। तब उन्होंने Thank you.
साथ हो रहा है प्रतिदिन स्वागत करने के लिए। और वहाँ से हम लोग लंबासा में गए, पहले दिन 500 और वर्षा मूसलाधार तक 7 दिन तक होती रही, आदमी बढ़ते गए, अंतिम दिन 2000 हुआ। मैं समझता हूँ कि लंबासा से भी यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हजार आते हो सकते हैं। आप लोग इसे कहेंगे अपने भाइयों से, अपने इष्टों से, मित्रों से, ये यहाँ पर जो आती होगी उसमें पैसे नहीं आपको देने पड़ेंगे, पैसा भी खर्च नहीं, ये लोग पैसे लेने के लिए नहीं है, आप लोगों से जरा उनका डर हटा दें और आपका समय भी नष्ट नहीं करेंगे। नई नई बातें आप लोग सनातन धर्म के समझ नहीं सकते, लोग हम भेदभाव नहीं है, प्राणी मात्र को आदर देते हैं, इसलिए यहाँ पर करने की जरूरत है। समय को आप लोग 7-8 बजे बंद ही हो जाता होगा आपकी दुकानें और सब बिजनेस, तो क्यों नहीं पढ़ाए भारतवर्ष से ये संदेश लेकर के आया कुछ देने के लिए। सभी लोग इसको आस्वादन करें, देखें, यदि अच्छा नहीं लगे कुछ करना लगे तो फॉर्म को लौटा देंगे, हम लेकर के चले जाएंगे, अपना माल ले जाएंगे, सस्ते में देने के लिए आए, सस्ता में यदि बिक गया तो ठीक है, और नहीं तो मैं ले जाऊंगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप अपने इष्ट मित्रों से, भाई बंधुओं से, अपने बेटों से भी कहेंगे, अपने परिजनों से, ये चले ये शाम का समय कुछ दीजिए और यहाँ पर आए, नहीं अच्छा लगता है मत आए, किंतु यदि अच्छा लगता है इसको सुनो, अपने जीवन में आचरण करें, इसके बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है, ये गारंटी है। चाहे भलेंगे सुख को अंधकार निकल जाए, आकाश में फूट भी जाए, पानी को मतने से भले ही घी हो जाए, और मट्टी पीसने से भले ही तेल निकल आए, कमल कछुए के खाल पर भले ही हुए उगाए, किंतु बिना हरि भजन अनुभव कर दिया गया यदि कहिए ज्ञान से हो जाए, ज्ञान से कुछ नहीं होता, भक्ति होगी तो उसके ज्ञान और वैराग्य उससे पैदा होते हैं। भक्ति स्वतंत्र सफल गुण खानी, ये समस्त गुणों की खान है, भक्ति स्वतंत्र अवलंबना, ज्ञान काल अधीन ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान तो उसके पुत्र है, भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए यदि भक्ति रहित ज्ञान है तो ये बंधन का कारण हो जाएगा, और भक्ति भी यदि कर्म है तो वो भी बंधन का कारण होगा। मुक्त समाज, इसलिए कर्म योग का ऐसा कौशल हम लोग यहाँ से बताएंगे जिसका थोड़ा सा भी आप लोग ग्रहण करेंगे, जीवन में बड़े सुख से संसार में भी रह सकेंगे और संसार के छोड़ने के बाद भी आप लोग इसके बाद से भी सुखी होंगे, इसलिए उन लोगों को भी गौरव अभिमान और भाग्य।